नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। अभी आप सभी को मालूम है बच्चों के भी छुट्टियां शुरू हो गई है और माँ लोगों को टेंशन बढ़ रहा है। अभी बच्चों लोगों को दे तो क्या दिया, हम माँ लोगों को ऐसे लगता है हेल्दी भी रहे और खाने में टेस्टी भी, और बच्चे लोग मांग मांग कर खाए। तो यहाँ पर हम नए तरीके से बनाया हरे मूंग का अपन। आप सभी को मालूम है हरे मूंग बहुत ही हेल्दी होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। तो यहाँ पर हमने एक चम्मच ऑयल से बनाया है दोस्तों, और इसके साथ हमने एक नए तरीके से चटनी भी बताई है। तो ये तरीका आपको कैसे लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पे नए होगे तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने हरे मूंग लेना है। एक कप जितना मैंने हरे मूंग ली थे, इसे मैंने 4 घंटा पानी में भिगो कर रखना है और इसे अच्छी तरह से मैंने निथार लिया हो, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक मिक्सर जार लेना है, तो यहाँ पे हमने हरे मूंग डाल देना है इस तरीके से। अब यहाँ पर डालेंगे 20 या 25 मीठे कड़ी पत्ते। यहाँ पर जाएगा 4 हरी मिर्च। हाँ दोस्तों, यदि आपको तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते होगे तो आप इसमें ज़्यादा भी मिर्ची ऐड कर सकते हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे हमने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। अभी यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच खट्टा वाला दही डाल देते हैं। यहाँ पर डालेंगे 1/2 कप बारीक वाली सूजी, 1/2 कप पानी डाल देते हैं। अभी इन सारी सामग्री को हमें अच्छी तरह से महीन पीस लेते हैं। अब यहाँ पे एक बॉल में इसे निकाल लेना इस तरीके से, देख रहे हो हमें तो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। अभी इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पे मिक्सर के जार में थोड़ा बस मसाला बच गया था, तो यहाँ पे मैंने 2 या 3 चम्मच जितना पानी डाल दिया। अभी इसे इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। अभी यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धना जीरा पाउडर। अभी इन सारी सामग्री को हमें 5 मिनट कंटिन्यू चला लेना है। हाँ दोस्तों, बहुत ही कम सामग्री से बनाई जाती है और हेल्दी भी है, प्रोटीन से भरपूर है, खास करके आप बच्चों को भी दे सकते हो। अभी इसे हमें 5 मिनट हम लोग कंटिन्यू चला लेते हैं। अभी आप देख सकते हो पहले से कितना फ्लफी हो चुका है, हमने 5 मिनट कंटिन्यू चला लिया हुआ है, एकदम हल्का भी बन गया हमारे बैटर, रिजल्ट आपके सामने। अभी हम इसे क्या करेंगे, 10 मिनट सेट होने को छोड़ देते, तब तक हम इसकी चटनी बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हम डालेंगे छोटा वाला चम्मच यानी 1/2 चम्मच जितना ही हमें ऑयल डालना है, ज्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हम लोग चटनी बना रहे हैं। तो इसे अभी ऑयल को गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह से। 1/2 चम्मच जीरा ऐड कर लेती हूँ। जीरे को अच्छी तरह से हमें सॉटे कर लेना है। अभी यहाँ पर हमारा जो जीरा अच्छी तरह से सॉटे हो चुका है, आप देख सकते हो परफेक्ट। अभी यहाँ पे थोड़े से मीठे कड़ी पत्ते डाल देना है। इसी के साथ हमने 2 टमाटर लेने बारीक कटे हुए हैं। अभी इसे भी अच्छी तरह से गला लेते हैं 1 मिनट के लिए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसे ज़्यादा नहीं गलाना, हल्का सा ही गलाना है क्योंकि जो टमाटर के जो छिलके हल्के से गल जाने चाहिए। ये आपकी देख रहे हो एकदम, ये तो ज़्यादा गला दोगे भी जो टमाटर की जो चटनी की जो टेस्ट होगी जैसे चाहिए वैसे आएगी नहीं, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। अभी इस स्टेज पर हमें गैस बंद कर देते और आगे की प्रोसेस करते हैं। अभी यहाँ पे एक मिक्सर जार लेना है, सारे टमाटर जो हमने गलाए थे वो इसके अंदर डाल देते हैं मिक्सर के जार के अंदर। अभी यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी इमली, थोड़ा खट्टापन आने के लिए चटनी के लिए। तो यहाँ पर हम डालेंगे 6 या 7 लहसुन की कलियाँ, 1.5 चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये कलर वाली दोस्तों तीखी कम होती है, 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, इसके साथ आएगा हल्का सा धनिया। अभी यहाँ पे थोड़ा 1/2 कप जितना पानी डाल देते हैं और इसे हमें महीन पीस लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने चटनी को अच्छी तरह से महीन पीस लिया, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बन गई ये चटनी तैयार हो चुकी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगती तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी करेंगे आगे की प्रोसेस। अभी यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से बैटर सेट हो चुका है, 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट। अभी यहाँ पर हमने डालना है 1 चम्मच जितना इनो डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से एक कंटिन्यू चला लेना है क्योंकि हल्का हो जाएगा बैटर। और जो हम इनो इसलिए डाला है क्योंकि जब हम अपम बनाएंगे तो एकदम जालीदार और फ्लफी होना चाहिए, एकदम स्पॉन्जी जार। तो इसे 1 मिनट के लिए चला लेती हूँ। अभी यहाँ पर हमने कंटिन्यू चला लिया, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बैटर हो चुका है दोस्तों। अभी एक जगह हमारा अपन का पैन गर्म हो चुका है, वो भी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने अपन का पैन रख लिया हुआ है, अभी अपन का पैन भी गर्म हो चुका है। हाँ दोस्तों, हल्का सा ही ऑयल डालना, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, इस तरीके से 2-3 बूंदी डालना है सभी जगह, देख रहे हो इस तरीके से। अभी यहाँ पर हमने डालना है थोड़े से तेल और गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी रखनी, फास्ट नहीं रखनी हमें, नहीं तो फिर देख रहे हो वाव अच्छी तरह से चटाके आ रहे हैं। अभी यहाँ पे 1-1 चम्मच जितना हमें बैटर रखना है, थोड़ा ही डालना है क्योंकि फूल के ऊपर आ जाता है, और गैस की फ्लेम धीमी रखनी, फास्ट नहीं रखना है। इसी तरह सारे अपम में से ही भर लेते हैं। अभी यहाँ पे सारे अपम हमने भर लिया, आप देख सकते हो हल्के से ऊपर से तेल डाल देती हूँ, स्प्रिंकल कर लेना है।
हाँ दोस्तों, जो तिल की जो टेस्ट होती है दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, इसलिए यहाँ पे हमने तिल से थोड़ा सा गार्निश कर लेना है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताना है। अब इसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑयल डाल देती हूँ इस तरीके से। जब हम इसे पलटी करके ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, और इसे तुरंत हमें टच नहीं करना है, थोड़े टाइम के बाद ही इसे टच करना है, क्योंकि हल्का सा ये ड्राई होने के बाद हमें इसे पलटी करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हो, कभी भी हम लोग अपम बनाते समय बीच वाला पहले पलटी कर लें, क्योंकि बीच में जो ताव होती है इजीली लग जाते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से। और दो चम्मच के सहायता से इसे पलटी करते जाना है, और ये इजीली आराम से पलटी हो रहा है, और कितने गोल जैसे हो रहे हैं ये। इसी तरह से सारे अपम ऐसे ही हम लोग पलटी कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों, यहाँ पे हमारे अपन रेडी हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, इसे मैंने बीच बीच में से उलट पुलट भी किया हुआ है, रिजल्ट आपके सामने। मैं और एक लेके बता देती हूँ, यानी आपको थोड़ा अंदाजा आ ही जाएगा। और आपको सभी को मालूम है, हरे मूंग खाना बहुत ही हेल्दी है और प्रोटीन से भरपूर है, और खाना ही चाहिए हेल्थ के लिए, तो बहुत ही गुणकारी है। अभी बाकी के सारे अपम हम ऐसे ही बना लेते हो। तो देखा ना दोस्तों, कैसे बना दे हमने प्रोटीन से भरपूर हरे मूंग का अपम, रिजल्ट आपके सामने। मैं आपको लेके बता देती हूँ, बहुत ही कम ऑयल हमने यूज किया हुआ है, देख रहे हो कितने जालीदार और सॉफ्ट है। तोड़ के बता देते हैं, देख रहे हो, वाव, एकदम टेस्टी भी है। तो हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगती तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहे दोस्तों। धन्यवाद।